भैया एक 3 अंडे का ऑमलेट मिलेगा थोड़ा चीज के साथ में। हाँ तो गाइज सिंधुदुर्ग के लिए अभी चेक इन चालू हुआ है, तो गाइज अपनी फ्लाइट तो अभी रिमोट लगी है, तो मोस्टली मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज को सर्व करती है। टू डी दोस्तों अभी हम लोग ने लैंड किया है कोंकण के सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट पे, अभी आप देख सकते हो। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, कैसी है पब्लिक। तो जैसे आपको पता है मैं कोंकण जाने वाला हूँ, तो आज वो दिन है कोंकण जाने का, तो सुबह के 7:30 बजे है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ होटल में और उसके बाद अपन लोग निकलेंगे एयरपोर्ट जाने के लिए। तो हम लोग कोंकण एक्चुअली एयरलाइन से जा रहे हैं, पहली बार जा रहा हूँ मैं कोंकण एयरलाइन से। तो मुंबई से, मुंबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ेंगे और चलेंगे सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट। तो सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट फ्लाइट में अराउंड एक सवा घंटा लग जाता है। तो चलो कोंकण में पहली बार फ्लाइट से जाते हैं और वहाँ से सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट से मेरा गाँव करीब करीब 1-1.5 घंटा बाय रोड है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं, कोंकण चलते हैं, प्रीटी एक्साइटेड। और कोंकण में अपने लिए एक सरप्राइज है, ठीक है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट सरप्राइज एज वेल। मेरी माँ का ड्रीम पूरा होने वाला है। भैया एक 3 अंडे का ऑमलेट मिलेगा थोड़ा चीज के साथ में। हाँ अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, एकदम लाइट ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन और थोड़े से कार्ब हम लोग खाएंगे। तो चलो इसको खा के फिनिश करते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट। और गाइज अपनी कैब आ गई है अभी, चलो चलते हैं एयरपोर्ट क्विकली। तो अभी मुंबई T2 टर्मिनल पे हम लोग पहुंच गए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 पे पहुंच गए हैं। तो चलो अभी जाके क्विकली चेक करते हैं अलियांस एयर का काउंटर कहाँ पे है। तो गाइस सिंधुदुर्ग के लिए अभी चेक इन चालू हुआ है, तो क्विकली अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं, अपना टिकट दिखाते हैं और चेक इन कर लेते हैं। तो अभी सिक्योरिटी चेक हो गया है, क्लियर, हम लोग नीचे टर्मिनल पे आए हैं। हेलो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी है, मुझे लेना है ट्रैवल अडाप्टर, क्योंकि अपना मैकबुक चार्ज नहीं हो रहा है, तो एक जल्दी से ट्रैवल अडाप्टर ले लें। तो गाइस फ्लाइट का वेट करते करते अभी मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्लॉग्स को एडिट किया जाए, तो बैठ बैठ के थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा।
और व्लॉग भी एडिट हो जाएगा, इसको अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी। तो चलो ये काम भी कंप्लीट कर देते हैं जब तक के फ्लाइट का टाइम ना हो। तो गाइज अपनी फ्लाइट तो अभी रिमोट लगी है, तो एरो ब्रिज है नहीं इसके लिए, तो हम लोग क्या करते हैं अभी ये बस में बोर्ड करके अपने फ्लाइट की तरफ चलते हैं। अभी देखना दूर पे वहाँ पे एक फ्लाइट लैंड कर रही है, क्या सही नज़ारा लग रहा है। और एट द सेम टाइम आप देखो ये सामने से एक बड़ी एयरक्राफ्ट आ रही है, कौन से एयरलाइंस की है समझ में तो नहीं आ रहा है, बट देखना पड़ेगा। एयर फ्रांस, एयर पीस। टाइम टू चेक गूगल, तो गूगल में चेक करके देखता हूँ ये है क्या। तो एज पर गूगल ये नाइजीरियन एयरलाइंस है, तो मोस्टली मिडल ईस्ट और अफ्रीकन्स कंट्रीज को सर्व करती है। तो काफ़ी बड़ी फ्लाइट है, भयंकर लग रही है साइज में, देखो कितने व्हील्स है, एक साइड में 3 व्हील्स, मतलब 3, 6, 12 व्हील्स है टोटल, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो गाइज अपना एयरबस 380 का एयरक्राफ्ट सामने खड़ा है जो हमें सिंधुदुर्ग पर लेके जाएगा। ना मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये एयरबस 380 नहीं है, ये मेरे ख्याल से छोटा प्रॉपलर वाला एयरक्राफ्ट है जो करीब करीब अराउंड 100 पैसेंजर्स को शायद बोर्ड कर सकता है। तो चलो देखते हैं, बट मेरे ख्याल से ठीक ही होगा अगर सिंधुदुर्ग में इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना डिमांड ज़्यादा नहीं होगा एट एनी पॉइंट इन टाइम। हाय, 2D थैंक यू। पिछले 20 मिनट से हमें रोका गया है क्योंकि ट्रैफिक इतना बिजी है एयरलाइंस का, तो टेक ऑफ करने के लिए नंबर ही अभी तक नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से और 10 मिनट तो लगना मांगता है। तो चलो चेक करते हैं कभी टेक ऑफ होता है।
देखो भाई, जैसे हम लोग सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट के लिए अप्रोच करते हैं तो ऊपर से हमें दिखता है कि वो वाइट सैंड वाले बीचेस नज़र आते हैं, है ना। और ये कोई एक बीच नहीं है, बट ये क्लस्टर ऑफ बीचेस है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो एक बीच शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा शुरू होता है, फिर दूसरे के बाद तीसरा, और ये लगातार ऐसे लाइन में बीच ही बीच है। तो यही खासियत है कोंकण की, कि और स्पेशली मालवन देवगढ़ की, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे बीचेस और चौपाटीज मिलेंगे। क्या सही लग रहा है, अभी लैंडिंग का टाइम आ गया है। तो जैसे जैसे लैंडिंग के लिए डिसेंड होता है एयरक्राफ्ट, तो नीचे का काफ़ी क्लियरली सब दिखना चालू हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे एक ब्रिज है, जो एक मेरे ख्याल से वो रिवर के ऊपर से वो ब्रिज है जो रिवर के दोनों साइड्स को कनेक्ट करता है। तो लेट्स गेट रेडी फॉर द लैंडिंग। तो दोस्तों, अभी हम लोग ने लैंड किया है कोंकण के सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट पे। अभी आप देख सकते हो, तो ये देखो छोटा सा एयरपोर्ट है सिंधुदुर्ग का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ही टर्मिनल है। तो अपना तो कोई लगेज है नहीं, तो हम लोग सीधे बाहर निकलेंगे और सीधे अपने गांव। काफ़ी छोटा है वैसे, बट मेरे ख्याल से दिन में एक ही फ्लाइट होती है, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो दोस्तों, ये देखो, ये है सिंधुदुर्ग का एयरपोर्ट आउटसाइड से। तो ये अभी अभी एक डेढ़ साल पहले खुला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे मैंने कहा एक ही टर्मिनल है, लेकिन ठीक ठाक है। मतलब मुंबई गोवा हाईवे की कंडीशन देख के, अगर आपको 10 से 12 घंटे ट्रैवल करना है बाय रोड, और ट्रेन में भी उतना ही टाइम लग जाता है, तो मेरे ख्याल से फ्लाइट में एक घंटे में हम लोग पहुंच गए। तो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी कूल एंड वेरी फास्ट। अभी यहाँ से हम लोग रुके हैं कि कैब लेके निकल जाएंगे अपने गांव देवगढ़, जो करीब करीब यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर्स है, तो एक घंटा लग जाएगा। तो दोस्तों, और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से मालवन तारकरली जाने के लिए काफ़ी नज़दीक है। मतलब मालवन तारकरली यहाँ से सिर्फ एक आधे घंटे में आप पहुँच जाओगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तो अपने गांव जाएंगे देवगढ़, जो एक घंटा है यहाँ से, लेकिन कल हम लोग मालवन जाने वाले हैं। मालवन में हम लोग क्या करेंगे, स्कूबा डाइविंग ट्राई करेंगे, फिर उसके साथ और काफ़ी स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स, वो भी ट्राई करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि कल भी एक ब्लॉग बनाएं और अच्छे से स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कवर करें।